देखिए जी, मसला ये है कि सबसे बड़ी ये बात है कि काश कि मुझे पता चले कि इनकी डिमांड्स क्या है। ये इन्होंने एक रोजाना तमाशा बनाया हुआ होता है, किसी से ना इनकी डिमांड्स का पता है। और इन्होंने सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने निहायत बदतमीजी की वहाँ अपने सीनियर डॉक्टर्स के साथ, एकेडमिक काउंसिल का दरवाजा आके तोड़ा और फिर उसके बाद खुद ही इन्होंने प्रोटेस्ट करनी शुरू कर दी। मुझे तो अफसोस इस बात पे होता है कि ना डिमांड्स का पता है, ना हमें पता है कि प्रोटेस्ट करें और उसके बाद आप मेरे से रابطہ करें। रابطہ इंसान पहले करता है, प्रोटेस्ट का तो आपका जवाब तब बनता है कि आपने मेरे से रابطہ कायम किया हो और मैंने आपके रابطے का जवाब न दिया हो। ये कहां से मसले के हल है कि आप आके एक तूफान बदतमीजी भी खड़े करे करें, आप शोर भी मचाएं, आप अपने सीनियर से बदतमीजी करें, उस्तादों से बदतमीजी करें और फिर कहें कि जी मैं आप नेगोशिएट करना शुरू कर दूं। मैं कमाल की बात है, यानी हैरान मैं इस बात से होती हूँ। ताला फिक्र ना करें, इस सिलसिले के अंदर मैंने अपना रابطہ कायम कर लिया है कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन से भी और मैंने उन्हें बताया है कि मसला ये हमारे लिए है कि अगर ये मुसलसल इसी तरह की हरकतें करते रहे, आप बताइए कि हुकूमत पंजाब क्या नहीं कर रही इनके लिए। इस वक्त हम लोग डॉक्टर्स की तनख्वाह की पर मैं 2 घंटे में मीटिंग करके आई हूँ जिसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी तनख्वाहें बढ़े, इनके मराद बढ़े, इनके हालात बेहतर हों। और ये है कि मुसलसल सड़कों के ऊपर खड़े होके सिर्फ अपनी छोटी छोटी अदावतों की वजह से, और तो सबसे बड़ी बात है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम बड़े यूनिक